वेलकम वेलकम ऑल, जय माता दी। कैसे हैं आप सब? आज देखिएगा मेरी ट्राई कलर्ड सब्जी। हैप्पी रिपब्लिक डे। अब हम इस सब्जी को बनाने के लिए गरम कढ़ाई होने पे तेल डाल देंगे। तेल कोई सा भी ले लीजिए आप, सरसों का ले लीजिए या रिफाइंड ऑयल ले लीजिए। हमें बनानी है सब्जी, ट्राई कलर की सब्जी बनानी है। मूली है, टमाटर है, ऑरेंज कलर का है, और शिमला मिर्च है, कैप्सिकम। सबसे पहले जीरा डाल दें, फिर मेथी के दाने डाल लें, फिर ये काली मिर्च के दाने डाल लीजिए, फिर उसके बाद टमाटर डाल लें आप। तो ये जब काली मिर्च के जो दाने हैं मुंह में फ्लेवर मुंह में जब आएंगे तो बहुत अच्छा ही फ्लेवर आएगा आपको, और ज़ीरा भी बहुत स्वादिष्ट होता है, इसके इससे स्वाद बढ़ जाता है सब्ज़ी का। और कुछ नहीं डालना है आपको, सिर्फ ये ज़ीरा डालना है, काली मिर्च के कुछ दाने डालने हैं और ये मेथी के दाने डालने हैं। फिर टमाटर को भून लेंगे हम। टमाटर को एकदम से मैश भी नहीं होने देना है, ऐसे ही पीसीस में रखना है हमें। ये देखें, इसमें फिर हम हल्दी डालेंगे, लाल मिर्च पाउडर डालेंगे, ये लाल साबुत मिर्च डालेंगे, चिली फ्लेक्स वाली, और नमक डालेंगे स्वाद अनुसार, और गरम मसाला डालेंगे। फिर इसको अच्छे से मिक्स कर लीजिए। टमाटरों को इतना पकने देना है कि बिल्कुल ही मैश ना हो जाएं, थोड़े थोड़े टुकड़े पीसेस इसके बने रहें। ये देखें, काली मिर्च का स्वाद बहुत अच्छा आएगा, ज़ीरे का बहुत अच्छा आएगा। अब हम इसमें शिमला मिर्च डालेंगे। एक हाथ है मेरा, एक ही हाथ से डाल रही हूँ सब्जियाँ, और एक हाथ से मैंने फ़ोन को पकड़ा हुआ है, वीडियो बना रही हूँ। ट्राईपॉड लाया था, वो छोटा था तो वो सेट नहीं बैठ रहा है, तो इसलिए एक हाथ से फ़ोन को पकड़ के और एक हाथ से ही सब्ज़ी को बना रही हूँ। ये देखें, शिमला मिर्च मिक्स हो चुकी है। अब सबसे पहले हमने टमाटर डालने हैं इसमें, फिर शिमला मिर्च डालनी है। जब थोड़ी थोड़ी पक जाए तो फिर उसके बाद हम मूलियाँ डाल देंगे। मूली को मैंने मैश कर लिया था, ये मैश नहीं सॉरी कद्दूकस कर लिया था, और उसका पानी सारा निकाल लेना है आपने। मूली को कद्दूकस करके उसका सारा पानी निकाल लीजिए,
और शिमला मिर्च को ऐसे लंबे लंबे पीसीस में काटना है हमको, और टमाटरों के भी लंबे लंबे पीसीस में ऐसे काटना है, क्योंकि मूली में पानी बहुत होता है ना, तो अगर पानी हमने निचोड़ा ना होता तो ये बीच में सब्ज़ी के पानी ही हो जाएगा, पानी पानी हो जाएगी सब्ज़ी। तो मैंने मूली को कद्दूकस करके उसका पानी निकाल लिया है, थोड़ा सा गलने पर, जैसे कि जितना कि आप खा सके शिमला मिर्च को। और टमाटर तो बना ही लिए, पका ही लिए हैं हमने, शिमला मिर्च को उतना ही पकाना है जितना कि आप खा सकते हैं। थोड़ा कलर रहने तक इसको रहने दें, ऐसे ही कलर रहने तक ही पकाएं, ताकि ग्रीन ग्रीन कलर नज़र आता रहे। और जो मूली होती है तो वो तो वैसे भी हम सैलड के तौर पे खाते हैं, तो वो अगर कच्ची रहेगी भी तो कोई इशू नहीं है। ये देखें, मूलियाँ भी डाल दी हैं मैंने, और सबसे लास्ट में मूली को डालना है। फिर मिक्स कर लीजिए अच्छे से। मेरा तो भाई एक ही हाथ है, और कढ़ाई भी इधर उधर हो रही है। दूसरा हाथ होता तो मैं एक तरफ से कढ़ाई को पकड़ लेती। ये देखें, अभी भी ट्राई कलर नज़र आ रहा है ना, वाइट कलर की मूली है, और ग्रीन कैप्सिकम है, शिमला मिर्च है, और टमाटर जो थे वो रेड कलर के नहीं थे, वो ऑरेंज कलर के थे, ऑरेंजिश शेड में थे। ये देखें, इस टाइम पे भी सब्ज़ी तो पूरी ट्राई कलर्ड लग रही है। हैप्पी हैप्पी रिपब्लिक डे सभी को, सभी को शुभकामनाएं रिपब्लिक डे की। ये इस तरह से सब्ज़ी बनाएं और खाएं, बहुत ही टेस्टी सब्ज़ी बनती है ये। बनती क्या है, मैंने फ़र्स्ट टाइम बनाई है, अपना ही दिमाग लगा के बनाई है, और मैंने जस्ट ट्राई मैंने भी किया है, लेकिन बहुत बहुत टेस्टी बनी थी। ये देखें, ट्राई कलर्ड सब्ज़ी है। इसको बस 5 या 10 मिनट के लिए ढककर रखें, ज़्यादा नहीं, ज़्यादा गल जाएगी तो फिर अच्छी नहीं लगेगी। ये देखें, जैसे पिज़्ज़ा में आप शिमला मिर्च तो खाते ही हैं, उसके पीसेस खाते हैं, और टमाटर भी होता ही है, और मूली तो खैर नहीं होती है, तो ऐसे ही शिमला मिर्च इतनी ही पकाएं जितनी कि आप खा सकते हैं, और ज़्यादा भी गलानी नहीं है। लास्ट में ये धनिया डाल दीजिए, खुशबू के लिए हरी मिर्च डाल दीजिए। बहुत 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 अच्छी सब्ज़ी बनी है, और इतनी खुशबू आ रही है ना कि क्या बताऊँ। आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा, ट्राई कलर्ड सब्ज़ी, तिरंगे के रंग की सब्ज़ी बनाई है। अगर मेरी वीडियो पसंद आई होगी तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप को मिल सके, और आप मेरी नेक्स्ट वीडियो भी देख सकें। ऐसी ही मैं वीडियोस लाती रहती हूँ, और वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।